मंत्री महोदय कुंदन सिंह, कुंदन सिंह, इन्होंने मेरी चंदाबुरी लूट के अच्छा नहीं किया। भगवान तुम दोनों को कभी नहीं माफ करेगा, तुम तीनों को कभी नहीं माफ करेगा। मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं जाऊंगी बस्ती की ओर। बस्ती में सभी भाइयों से बताऊंगी, सभी भाइयों से तुम लोगों को सजा जरूर दिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ बस्ती की ओर। हमारे खिलाफ तू आवाज उठाएगी, जा करके बस्ती में बताएगी। अरे हराम जादी, यहाँ से जा पाएगी तब बताएगी, मुझसे बचेगी तब ना। जाकर बस्ती में बताऊंगी। हाँ, अरे क्या बताएगी जब तू जीवित रहेगी ना, तेरा तो मैंने काम तमाम कर दिया। हमरा तो बदला पूरा हो गया। अब एसपी अर्जुन सिंह की आत्मा को शांति मिले हो गया। बच्ची को मैंने पाया था, वो लड़की सियानी हो गई। जी पिताजी, मैं तो बुढ़ा हो गया और दो पैसे का काम करूं जिससे मैं मेरा खर्चा चले। क्यों नहीं पिताजी, आप इतना चिंता क्यों करते हैं? बैठिए, मैं नाच गाने का प्रोग्राम करती हूँ। हेलो, हो इन्हीं लोगों रही है। ये यशदी अर्जुन सिंह की बड़ी बेटी है जिसका नाम फूलन था। दोस्तों, इस लड़की को एक नाचने गाने वाला पाया था और आज वो लड़की सानी हो गई है और नाच गाने का काम कर रही है। यहां कहानी कमल की, जरा कहानी पर गौर करना।
और ये हमारे राजू भाई साहब हुसीपुर की ओर से भाई ये 10 रुपए दिए हैं, शुक्रिया धन्यवाद। चलती हूँ फिर वहां अपना लगा दी रहा इन्हीं लोगों ने ये दूसरी लड़की आई है, ये यशदी अब्दुल सिंह की छोटी बेटी है जिसका नाम था रामकली। दोस्तों इसे एक जब कतरा ने पाया था और उसे अपना ही धंधा सिखा दिया जेब कतरने का। दोस्तों अब यहां से कहानी क्या बोलेगी, जरा कहानी बताओ कर। हेलो, और ये आगे हमारे बालक राम भाई राजू, जिन भाई को डीजल व पेट्रोल की आवश्यकता है तुम्हारे बालू बालक राम भाई और राजू भाई से संपर्क करिए, उसी बजे से भाई ये 10 रुपए नो राजू भाई में दी, शुक्रिया धन्यवाद। हेलो, हो आप ही उमारी लेडी कैया ना छोड़ो भाई साहब, ये जरवर रोड की ओर थे, ये हमारे मुन्ना भाई साहब जरवर रोड की ओर थे भाई, ये 10 रुपए आपको दे हैं और कहना है जिनके सपने हमें वो आते रहे, फरमाइश है वो जिसके सपने हमें आते रहे लुभाते रहे।
हमारे मुन्ना भैया की ओर से भाई ये 10 रुपए भाई ये रोड की ओर से मिला है, और ये आगे हमारे करण, ये हमारे करण भाई साहब हुसैनपुर की ओर से, ये भाई हुसैनपुर की ओर से भाई 10 रुपए भाई नौराटी भैया ने दिया है। शुक्रिया धन्यवाद। जिसके सपने हमें आते रहे तो सरैया वाली टंकी बंद हो गई, तेल वाली कहें सरैया वाली टंकी बंद हो गए, तो अब जब ये टंकी जब खोली तो राजू और बालक राम तेल आने आई हैं। ये भाई टंकी की ओर से भाई 10 रुपए दिए। धन्यवाद। जब भी टंकी हवा बालक राम क्या वाली टंकी हुसैनपुर वाले खुली है, तो जाओ तेल हमारे लिए हुसैनपुर में। जय हिंद, जय। हेलो, हाँ दोस्तों कहानी बता करिए, जो आपके सामने ये लड़की वर्दी में आई हुई है, यह यशदी अब्दुल सिंह की मंझली बेटी है जिसका नाम था हसीना। ये हवलदार ने पाया था, आज ये हवलदार ने इसे पढ़ा लिखा करके एक अच्छी नौकरी पुलिस इंस्पेक्टर की इसे मिल गई। दोस्तों अब यहाँ से कहानी क्या मुल की जरा कहानी गौर करिए। बेटी हसीना कहिए बाबा, देख बेटी तुझे पढ़ा लिखा के और देख नौकरी भी दिला दिया है। हाँ बाबा, ये वर्दी बेटी ईमानदारी का है और ईमानदारी से बेटी काम करना, और ये तेरा बाबा हवलदार जिस तरह से ईमानदारी से काम कर रहा है इसी तरह से बेटी करना। बाबा आप चिंता मत करिए, ये वर्दी पाने के लिए मैंने रात दिन मेहनत की है। हाँ बेटी, और सबसे बड़ा हाथ आपका है बाबा।
क्यों नहीं? इसलिए ये वर्दी मुझे मिली है जनता की सेवा करने के लिए। हाँ, जनता की सेवा करो बेटी। हाँ बाबा, चलिए बाबा, चलो आप ही फैले देखती हैं। हाँ चलो आओ, चलिए। हेलो, हो चढ़ली जवानी मोरा उठेला नया उठेला नया लेवा। अरे बड़ी बड़ी जल पाती हो क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं इस मेले में अपना ये प्रोग्राम लगाई नहीं थी। अच्छा, और उस प्रोग्राम में आपने मेरी हेल्प किया है। इसी खुशी में मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे इनाम देना चाहती हूँ? और क्या लाए थी? मेरा पर्स गिर गया। अगर तुमने मेरा पर्स पाया हो तो वापस कर दीजिए, मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। कैसी कैसी बात करें, आप मुझे इनाम देना चाहते हो और बता रहे मेरा पर्स कहीं गिर गया? तुम्हारे सिवा यहाँ कोई आया नहीं है तो मेरा पर्स किसने लिया? क्या मैंने तुम्हारा पर्स लिया? हाँ हाँ, तुमने मेरा पर्स लिया है। नहीं, मैं तुम्हारी पर्स नहीं जानती हूँ। अभी सीधी से कह रही हूँ कि मेरा पर्स वापस लौटा दो। मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारी पर्स नहीं जानती हूँ। हराम जाती सीधे सीधे।